हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में बात कर रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, जिसमें मैंने आपको कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, इन सब के बारे में वीडियो दिए। आज हम लास्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, दैट इज बेंजाइन। बेंजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो कि एरोमेटिक केमिस्ट्री में SNAR रिएक्शंस को इंटरमीडिएट करता है। बेंजाइन की स्टडी को सूटेबल तरीके से करने के लिए और डिटेल वे में करने के लिए मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं इसकी स्टडी के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं बताऊंगा बेंजाइन की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में, फिर मैं बताऊंगा इसकी फॉर्मेशन के बारे में, फिर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजाइन के थ्रू होती है उनकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, उसके बाद 5th पॉइंट में हम लेंगे अलग अलग एग्जाम्पल जिसमें बेंजाइन का कंट्रीब्यूशन होता है, और लास्ट में मैं इस बेंजाइन पर कोई सब्सिट्यूएंट लगा होगा तो उससे प्रोडक्ट की नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी बात करने वाला हूं। तो टाइम बिना वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं बेंजाइन की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो आपको अनइंटरप्टेडली लगातार मिलते रहे। तो आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ बेंजाइन की। बेंजाइन की स्ट्रक्चर जैसे आपको दिखाई दे रही है, बेंजीन में से दो एडजेसेंट कार्बन एटम के कोरस्पोंडिंग ग्रुप निकल जाने से आपको एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन। बेंजाइन में सभी कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहां पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है। तो यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट्स को कि सर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तो sp हाइब्रिडाइज होते हैं, आपने इसको sp2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये एक्सट्रीमली वीक पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हो एक अच्छा पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है और इसके अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग भी नहीं हो पाती, इस कारण से ये जो पाई बॉन्ड है एक्सट्रीमली वीक टाइप का होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको बताऊं कि क्यों वीक टाइप का मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये आपका इस कार्बन के ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के बीच की ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बनता है उस पाई बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, उस पाई बॉन्ड को हम बोलते हैं एक्सट्रीमली वीक पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पाई बॉन्ड जो बनता है तो उसमें ऊपर वाली लोब से ओवरलैपिंग करती है और नीचे वाली लोब से ओवरलैपिंग करती है, और ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग किसमें होती है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन यहां पर ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, तो ये sp2 होने के कारण, ये दोनों sp2 होने के कारण एक तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये रिपेल करते हैं, और दूसरा आप देख पा रहे हैं ये जो ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए जो पाई बॉन्ड होता है ये एक्सट्रीमली वीक टाइप का पाई बॉन्ड होता है। बस दिखाने के लिए पाई बॉन्ड है, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा एक मिनट में ब्रेक हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो बात होगी इसकी स्ट्रक्चर की और बॉन्डिंग के बारे में, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये एलिमिनेशन के थ्रू बनती है, ये एलिमिनेशन के थ्रू बनती है। मान लीजिए आपके पास में क्लोरोबेंजीन है, अगर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करता हूं NH2 नेगेटिव से तो NH3 और Cl नेगेटिव रिमूव हो जाते हैं, ये ग्रुप भी निकल जाएगा, ये ग्रुप भी निकल जाएगा। जब ये दोनों ग्रुप निकल जाएंगे तो आपको बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलता है, यानी कि जब भी इसकी फॉर्मेशन करनी है किसके थ्रू करनी है, एलिमिनेशन के थ्रू करनी है। हालांकि इसकी जो आगे रिएक्शन होगी वो एडिशन की होगी, तो ओवरऑल हम इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म बोला जाता है, लेकिन क्योंकि मैं फॉर्मेशन बता रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये एलिमिनेशन के थ्रू होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होती है, वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीशी, दैट इज बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सीखनी है। अब हम बात करेंगे बेंजाइन की फॉर्मेशन की, कि बेंजाइन किन किन कंडीशन में फॉर्म होती है, कि आपको रिएक्शन में क्या क्या गिवन होगा कि आप पहचान लेंगे कि इस रिएक्शन में तो इंटरमीडिएट की फॉर्म में क्या बनेगी, बेंजाइन बनेगी। आइए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्मेशन की तो कुछ कंडीशन हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि बेंजाइन कब कब बन सकती है।
तो पहली कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके सामने बार बार आएगी, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन या कोई हेलोबेंजीन दी हुई है और आपको यहां पर दे रखा है स्ट्रोंग बेस, जैसे NH2 नेगेटिव दिया हुआ है, तो उस केस में मैंने बोला ना आपको H, H तो अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो NH3 भी निकल जाएगा और Cl नेगेटिव निकल जाएगा और अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाली है, अल्टीमेटली आपको बेंजाइन मिलने वाली है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। याद रखिएगा, इसकी फॉर्मेशन की कोई ये रिएक्शन नहीं है, बस मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं कि क्या कंडीशन आपको गिवन होगी कि ये फॉर्म होगी। आप लोग सब जानते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म तभी होते हैं जब रिएक्शन प्रोसीड करती है। ऐसा नहीं कि मैं बेंजाइन बना के बोतल में भर के रख लूंगा और उसकी रिएक्शन करूंगा, नहीं। तो बेंजाइन क्योंकि अनस्टेबल है, इसलिए हमेशा मैं इसको ब्रैकेट में ही आपको शो करके दिखाऊंगा। तो पहली कंडीशन हेलो बेंजीन की रिएक्शन जब आप NH2 या स्ट्रोंग बेस से करते हैं, तो उस केस में ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकेंड नंबर स्टेप देखिए, अगर आपको बेंजीन रिंग पे दोनों तरफ मतलब एडजेसेंट एटम्स के ऊपर अच्छे लिविंग ग्रुप दे रखे हों, अगर मैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के अंदर मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं, आप लोग सब जानते हैं इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी Cl से ज्यादा होती है, तो पहले Mg इसको रिमूव करेगा, Mg आ जाएगा बीच में Cl के साथ में। और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि मैग्नीशियम मेटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो उससे भी फाइनली आपको क्या मिलने वाली है, फाइनली आपको बेंजाइन ही मिलने वाली है। इसको तो मैं ब्रैकेट में लिखा रहा हूं, और माइनस क्या क्या निकल जाएगा, MgI और Cl आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो सेकेंड मेथड, कहीं भी आपको इस तरह से लिविंग ग्रुप के साथ Mg दे दे THF सॉल्वेंट के अंदर, तो आपको समझ जाना है कि रिएक्शन बेंजीन के थ्रू होने वाली। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार दो बढ़िया लिविंग ग्रुप साथ में दिए हों, जैसे कि पिछली बार वाला केस है, तो ये वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि N2 इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो अगर N2 और COO नेगेटिव, अगर N2 और COO नेगेटिव एडजेसेंट कार्बन पे, तो क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो N2 भी गैस की फॉर्म में निकल जाएगी बच्चों, CO2 भी गैस की फॉर्म में निकल जाएगी, और दोनों जब गैस की फॉर्म में निकल जाएगी तो भी आपको बेंजाइन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल सकती है या मिलने वाली है। इस तरह से हम बेंजाइन को कई सारी रिएक्शंस के थ्रू बना सकते हैं। एक और रिएक्शन जो जनरली पूछी जाती है, उस रिएक्शन में यहां मैं BR ले रहा हूं, यह भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, सेम मैकेनिज्म के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इतने तरह के कंडीशंस आपको दिखा दी हैं, बता दी हैं, जिस चीज में आपको बेंजाइन की फॉर्मेशन करनी आनी चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या है, बेंजाइन में की फॉर्मेशन में बेंजीन के साथ दोनों तरफ लिविंग ग्रुप होने चाहिए। ये दोनों लिविंग ग्रुप अगर रिमूव हो जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा या वीक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो फॉर्मेशन में ये चार इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको याद रखनी है कि कब कब बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, कि बेंजाइन कौन कौन सी रिएक्शन को प्रोसीड करता है, कि किन किन रिएक्शन में बेंजाइन बनता है और फाइनल कौन सा प्रोडक्ट बनता है। आइए हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजाइन इंटरमीडिएट रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थर्ड पॉइंट में मैं बेंजाइन से होने वाली केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। बच्चों बेंजाइन से जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उस रिएक्शन का नाम है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, वाया एलिमिनेशन हाइफन एडिशन मैकेनिज्म, वाया एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। इस रिएक्शन को बताने के लिए मैं आपको इसकी कंडीशन दे दूं पहले। अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, यहां ले लीजिए Cl, रिमूव करना आसान होगा, अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैं सोडामाइड से कराता हूं,
नेगेटिव पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनरली एलिमिनेशन होते हैं हाई टेम्परेचर पर, पर ये रिएक्शन जब सोडामाइड से की जाती है तो -33 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहले तो बनती है इसमें बेंजाइन, एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस कंडीशन में बेंजाइन बनती है, और ये आगे अमोनिया से रिएक्शन करके, क्योंकि ये लिक्विड अमोनिया लिया जाता है इसमें, तो अमोनिया से रिएक्शन करके ये आपको इस तरह का प्रोडक्ट देती है, तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन तो सब्स्टिट्यूशन ही है। देखो रिएक्टेंट में Cl था और फाइनली प्रोडक्ट में क्या आ गया, NH2 आ गया। कहीं भी लगाओ को फर्क नहीं पड़ता, चाहे NH2 यहां लगा दो, अगर आपको वहम होता है यहां लगा दो, एक ही बात है। तो आपने देखा कि Cl रिमूव हुआ और NH2 आ गया। ऐसा किन रिएक्शंस में होता है? ऐसा तो सब्स्टिट्यूशन में होता है। तो सब्स्टिट्यूशन तो हुआ फाइनली, लेकिन किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ? ये एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, कि फर्स्ट स्टेप तो एलिमिनेशन का था जिसके थ्रू बेंजाइन बनती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, और जो सेकंड स्टेप है वो एडिशन का स्टेप है। आप कहेंगे एडिशन कैसे सर? NH3 को NH2 और H में डिवाइड मान लो, तो NH2 और H में जब टूटेगा तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सेम टाइप का एनिलीन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं, ये फर्स्ट रिएक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम डाउज प्रोसेस, आप लोग अच्छी तरह जानते हो बच्चों, एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 बहुत मुश्किल से देते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो रेजोनेंस वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, और एक लिविंग जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो रिंग में उतना इफेक्टिवली नहीं होता स्ट्रीक एंट्रेंस के कारण। लेकिन अगर मेरे को क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने हैं तो इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम बोलते हैं डाउज प्रोसेस। डाउज मेथड में क्या होता है? डाउज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ, पर ये एक्सट्रीम कंडीशन में होने वाली रिएक्शन है। 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए इसके लिए और 300 ATM प्रेशर चाहिए। आप समझ सकते हो कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस है। तो जब ये रिएक्शन की जाती है तो मैकेनिज्म तो वही है, पहले तो इसमें बनता है बेंजाइन, जो कि बाद में रिएक्शन करने पर पहले ONa में कन्वर्ट होता है NaOH से ट्रीट करने पर, और जिसका एसिडिफिकेशन करने पर OH या फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो डाउज प्रोसेस भी बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करते हैं और देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है। तो अगर मैं ऊपर वाले रिएक्शन की बात करूं कि क्लोरोबेंजीन को जब सोडामाइड से गर्म किया जाता है, सोडामाइड के साथ रखा जाता है और कूल कर दिया जाता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, आइए हम इसकी मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। बेंजाइन इंटरमीडिएट की मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैकेनिज्म में पहली बात तो इसका नाम है SN2Ar एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एरोमेटिक रिंग, इस एरोमेटिक रिंग पर Cl और H लगे हुए हैं, और जब ये रिएक्शन करेगी फर्स्ट स्टेप में NH2 नेगेटिव इस पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल है, RDS है, ये एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। तो RDS के अंदर क्या होगा, ये NH2 H+ को लेके जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो NH3 और Cl नेगेटिव रिमूव हो जाते हैं और आपकी क्या बन जाती है, बेंजाइन बन जाती है, बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। डबल बॉन्ड की ओरिएंटेशन चेंज नहीं करनी, बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्योंकि रिएक्टेंट और रिएजेंट की रिएक्शन से इंटरमीडिएट का बनना कोई स्टेप नहीं होता, ये तो एक ही स्टेप है, तो मैं इसको ऐसे फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप नहीं कहता, मैं इसको एक ही स्टेप काउंट करूंगा। अगले स्टेप में अमोनिया इस पर अटैक करती है तो किस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन यू भी मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर यू मूव करेंगे, पहली बात तो ये वीक पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना बिल्कुल आसान है, अगर वैसे पाई बॉन्ड होता तब भी मूव कर जाते, लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड तो एक्सट्रीमली वीक है, तो अगर इस तरह से मूवमेंट होती है तो क्या होगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर न्यूट्रल कंडीशन आएगी, तो अमोनिया इस तरह से अगर रिएक्शन होती है
तो दो तरह की पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी है। अगर नीचे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इसको मैं ए पॉसिबिलिटी कहता हूं, और अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो इसको मैं बी पॉसिबिलिटी कहता हूं। तो पहले मैं ए पॉसिबिलिटी वाले रिएक्शन कर रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे तो NH3 ऊपर अटैक करेगा, और अगर NH3 ऊपर अटैक करेगा तो यहां बन जाएगा NH3 प्लस, क्योंकि इसके लोन पेयर लग गए हैं रिएक्शन में, और यहां पर आपका क्या आ गया बेटे, नेगेटिव चार्ज आ गया। दोबारा देखिए ए में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए तो न्यूक्लियर वाल कहां अटैक करेगा, ऊपर वाले कार्बन पर। तो जैसे इसके लोन पे इन्वॉल्व हो गए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, और अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वीक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए तो यहां क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और अगर ये मूवमेंट बी वाली हो जाती, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते तो यहां था बेटे नेगेटिवली चार्ज, और NH3 अपने इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाता तो NH3 पे क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज। आप लोग सब जानते हो नाइट्रोजन जब फोर बॉन्ड बनाता है तो इस पे चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव। अब यहां पर अगले स्टेप में इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होती है, होनी भी चाहिए। ये H प्लस है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ये यहां NH2 लगा दो और यहां H लगा दो, फाइनली प्रोडक्ट आपका ये बन जाता है। और अगर इसके थ्रू होगा तो भी इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन से आपके पास में लगभग वैसा सा ही प्रोडक्ट बन जाएगा, एच इधर आ जाएगा, एन एस टू इधर आ जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट वैसे तो सेम है, ये भी एनिलीन है और ये भी एनिलीन है, लेकिन अगर मैं आइसोटोपिक कार्बन से इस कार्बन को रिप्लेस कर दूं सीएल वाले को, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा प्रोडक्ट मेरे दो टाइप के बनते। कैसे, मान लीजिए मैंने इसको आइसोटोपिक कार्बन 14 से रिप्लेस कर दिया, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, कार्बन 14 आएगा, स्टार लगा देता हूं, इस कार्बन पे कार्बन 14 आएगा, इस कार्बन पे कार्बन 14 आएगा, यहां पर इसका ये कार्बन 14 वाला कार्बन है। अब मुझे बताइए कि ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम है क्या, नहीं। इस प्रोडक्ट में तो जिस कार्बन से सीएल हटा है उसी पे NH2 लग गया, लेकिन इस प्रोडक्ट में जिस कार्बन से सीएल हटा है उसके पड़ोस वाले कार्बन पे हटा है NH2 लगा है। ऐसे प्रोडक्ट को तो बोलते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट, ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, और ये साइंटिस्ट के नेम पर है, इसको सीने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहा जाता है, सीने साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। तो आइसोटोपिक इफेक्ट के थ्रू कार्बन को आइसोटोपिक कार्बन से रिप्लेस कर दूं अगर, तो आपके दो प्रोडक्ट बोलने पड़ेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं करूंगा तो मैं कहूंगा एक ही प्रोडक्ट बनता है, दैट इज एनिलीन। तो ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है जिसमें आपको सीखना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की आपको याद रखनी है, एक लिमिटेशन है कि अगर मैं लिक्विड अमोनिया को यूज नहीं करता इस रिएक्शन में, अगर हम लिक्विड अमोनिया को यूज नहीं करते तो फिर हमारे पास में ये जो बेंजाइन होती है ना, ये आयन पेयर में कन्वर्ट हो जाती है बेटे। आप बोलोगे आयन पेयर का मतलब, आयन पेयर का मतलब इसका बॉन्ड वैसे ही वीक है आपको पता है, तो ये इस तरह से आयन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जब आयन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कार्बन इससे बॉन्ड बना सकता है और ये कार्बन इससे बॉन्ड बना सकता है, तो उस केस में आपके पास में इस तरह का एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो, तो फिर हमें क्या लेना पड़ता है, लिक्विड अमोनिया लेना पड़ता है। लिक्विड अमोनिया ये प्रोसेस होने ही नहीं देता, उससे पहले ही अटैक करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये इतनी चीजें आपको बेंजाइन की इंटरमीडिएसी के अंदर याद रखनी पड़ेगी। ये तो बात होगी इसकी मैकेनिज्म की। आइए अब हम बात करते हैं इसके इससे होने वाली और अलग अलग कौन कौन सी रिएक्शन है जिसको आपको सीखना है। जब भी बेंजाइन का बनना कन्फर्म हो जाए कि इसमें बेंजाइन बनेगी, तो उस केस में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आप इसके सारे प्रोडक्ट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आइए अगर मैं ये कहता हूं कि मैं आपको बेंजाइन से होने वाली रिएक्शन के एग्जांपल पूछना चाहता हूं तो क्या है, आइए देखते हैं। अगर मैं आपको बेंजाइन से होने वाली रिएक्शन के एग्जाम्पल पूछूं तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक पर चल के आपने इसको करना है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपकी बेंजाइन है, ये एक बार मैं इसी तरह की बेंजाइन ले रहा हूं, ये आपकी बेंजाइन है। अगर आपने इसमें किसी भी केमिकल को ऐड करवाया, चाहे वो प्लस ए बी माइनस हो चाहे उल्टा हो, ए माइनस बी प्लस हो, तो फिर कायदे से तो आपके दोनों प्रोडक्ट बनते हैं बेटे। कैसे, यहां ए लगा दीजिए या बी लगा दीजिए, या साथ में ऐसा भी बनेगा
कि यहां बी लगा दीजिए और यहां ए लगा दीजिए। अब आप लोग कहोगे सर ये तो एक ही बात है भाई, डाई सब्स्टिट्यूटेड और तो पोजीशन तो एक ही होती, कैसे मर्जी करो। ये एक तब होगी जब कार्बन को मैं आइसोटोपिक कार्बन से रिप्लेस नहीं करूं। अगर मैं किसी एक कार्बन को आइसोटोपिक कार्बन बना दूंगा तो फिर आपके ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग काउंट होंगे। देख लो यहां पर स्टार कार्बन से ए लगा है और बिना स्टार वाले से बी लगा है, और दूसरे वाले प्रोडक्ट में स्टार कार्बन से बी लगेगा और बिना स्टार वाले से ए लगेगा। ये आइसोटोपिक इफेक्ट तभी काउंट करना है जब आपको यहां पर कार्बन 14 दे रखा हो, और अगर आपको ऐसा कोई भी चेंज नहीं दिया हुआ, सिंपल बेंजाइन दे रखी है, तो बेटा फिर उस केस में आपको दो दो नहीं बनाने, उस केस में आप कोई भी एक बना दोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो मैंने आपको बात तो बता दी है, अब मैं हर किसी के अंदर आइसोटोपिक कार्बन यूज नहीं करूंगा, मैं केवल आपसे प्रोडक्ट पूछूंगा। तो मैंने क्या बोला है, जब भी बेंजाइन आपको बनने की गुंजाइश दिखे, आप कहोगे सर गुंजाइश कैसे दिखेगी, बता तो दी चार रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन को अगर एमाइड के साथ गर्म करें NaNH2 के साथ में, या बेंजीन पे MgCl लगे होते हैं तो Mg के साथ गर्म करें उसको, है ना। ये चार जो रिएक्शन बताई थी मैंने, उनमें से कोई भी कंडीशन दे देगा तो बेंजाइन बनेगा एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसके बाद जो आप एडिशन करवाते हो तो जो केमिकल जो आप एडिशन कराओगे उसको प्लस और माइनस में तोड़ देना, एक कार्बन के साथ माइनस वाला जोड़ देना, एक कार्बन के साथ में प्लस वाला जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये आप इस बात को आपको याद रखना है। अब अगर मान लीजिए मेरे को दे रखी है बेंजाइन, मैं तो डायरेक्ट बेंजाइन लेता हूं, और आप कह रहे हो नहीं सर बेंजाइन नहीं, आप रिएक्शन के थ्रू बता दो, तो लो रिएक्शन के थ्रू बता देता हूं। सबसे ज्यादा रिएक्शन यही यूज की जाती है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं Na, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं NaNH2 से, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं NaNH2 से -33 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो पहले तो बना लो भाई बेंजाइन, पहले तो बना लो बेंजाइन, बन गई बेंजाइन। अब आप अलग अलग टाइप का एडिशन करा के देखोगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलने वाले। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने करवाया अमोनिया का एडिशन, तो मैंने क्या बोला, उस केमिकल को माइनस प्लस में तोड़ दो, बस एक कार्बन के साथ माइनस वाला जोड़ दो, एक कार्बन के साथ प्लस वाला जोड़ दो। मैं बता चुका हूं कि मैं आइसोटोपिक कार्बन नहीं ले रहा, तो कहीं भी किसी को जोड़ सकते हैं। तो मैं जनरली क्या क्या करूंगा, मैं ऊपर एच प्लस वाला जोड़ा करूंगा, नीचे माइनस वाला, कैसे मर्जी जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसका जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट क्या बना है, एच और NH2। कई बच्चों को क्या लगता है कि सर ये तो एडिशन हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा। अच्छा ऐसा करो नेगेटिव को ऊपर लगाओ ताकि क्लोरोबेंजीन से मैं रिलेट कर पाऊंगा। ये लो अब सही है, कई बच्चों को एडिशन लगता है, एडिशन नहीं है, देखो Cl गया है और बेटा NH2 आया है। ओवरऑल ये पूरी एक ही रिएक्शन है, डोंट फॉरगेट, ओवरऑल ये रिएक्शन एक ही है। इसका एक पड़ाव है, इसका एक स्टॉपेज है बेंजाइन का बनना, अल्टीमेटली रिएक्शन तो यही है। तो क्या मैं इसको एडिशन कहूं कि सब्स्टिट्यूशन कहूंगा, नो डाउट इसको मैं क्या कहूंगा, सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी मैं इसको ऐड करूंगा, ऊपर वाले कार्बन से नेगेटिव पार्ट जोड़ूंगा और नीचे वाले से प्लस जोड़ूंगा, तो आप करते जाइए। मान लो आपको कहता है CH3OH, तो ये प्लस ये माइनस, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट OCH3 और H, बनाते जाइए बस। अगर आपको कहता है CH3NH2, तो H प्लस और ये माइनस, तो ऊपर वाले कार्बन से तो आप जोड़ेंगे NHCH3 और नीचे वाले कार्बन से आप जोड़ेंगे H। मान लीजिए आपको रिएक्शन करवाता है ये, मान लीजिए आपको रिएक्शन करवाता है CH3Li से, तो फिर वही बात, ऊपर वाले कार्बन के साथ क्या जोड़ोगे CH3 और नीचे वाले कार्बन के साथ क्या जोड़ोगे Li। एक छोटी सी बात बता दूं आपको, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लिथियम रिंग और CH3, जैसा कि गिग्नार्ड रिएजेंट होता है, आपको शायद याद हो, आपको शायद याद हो, अगर मैं इसकी रिएक्शन गिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 के साथ एसिडिक मीडियम में करवाता हूं तो क्या हो जाता है, इस लिथियम की जगह पर COOH ग्रुप आ जाता है। तो ये मैंने वैसे बता दिया आपको, बेंजाइन का इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो यहां तो आप लगाओगे CH3 और नीचे वाले कार्बन पर COOH ग्रुप आप लगा देना। तो इस तरह से आप इन रिएक्शन को कर सकते हो। कई बार क्या देगा वो आपको, कई बार वाटर दे देगा, सच वाटर की तो लिखी नहीं मैंने रिएक्शन, तो ये प्लस ये माइनस, तो अगर सोलवेंट वाटर है तो ऊपर आ जाएगा OH और नीचे आ जाएगा H। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन कर देख सकते हो। इनका सबका नंबर डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, सभी के अंदर एक जैसा ही काम कर रहा हूं।
दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी यही डिस्कस करना चाहता हूं, सिक्स एंड सेवन भी डिस्कस करना चाहता हूं। ये रिएक्शन भी ब्यूटाडाइन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। आप कहोगे सर ब्यूटाडाइन के साथ कैसे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गए, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी बेटा वो बनेगी डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, एक हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा माइनस। और आपको मैंने जोड़ना बता ही रखा है कि आप जब भी तोड़ोगे तो ये माइनस वाला कार्बन ये रहा, ध्यान दे देना, इसको नंबर वन कर देता हूं, इसको नंबर टू, इसको थ्री, इसको फोर, तो ये रहा वन नंबर कार्बन, ये रहा टू नंबर कार्बन, ये रहा थ्री, ये रहा फोर। ये नेगेटिव वाला था तो मैं नेगेटिव वाला ऊपर जोड़ दिया, ये नेगेटिव वाला था तो मैंने नेगेटिव वाला ऊपर जोड़ दिया, तो इस तरह से आपका एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या किया मैंने, ब्यूटाडाइन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक प्लस और एक माइनस, और मैंने क्या सिखाया, माइनस ऊपर जोड़ दो प्लस नीचे जोड़ दो, तो माइनस वाला कार्बन ये रहा इसको ऊपर जोड़ दिया और प्लस वाला कार्बन ये रहा इसको नीचे जोड़ दिया, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में किसी को हवा नहीं लगेगी अगर नहीं पढ़ा हुआ तो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और लास्ट एक और केस, फ्यूरेन के साथ भी इसकी रिएक्शन बताई हुई है। ये आपका फ्यूरेन है, ये आपको पता है फ्यूरेन होती है, इसकी जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो एक स्ट्रक्चर इसकी भी इस तरह से आएगी कि यहां आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, इसमें भी मैं बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट बनाऊंगा कि ऑक्सीजन फ्यूरेन ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ेगा और डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको स्टडी करनी है, डिस्कस करनी है, जिसके अंदर आप ब्यूटाडाइन के साथ में और फ्यूरेन के साथ में भी बेंजाइन इंटरमीडिएट यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए एग्जांपल्स के। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट इज कि अगर सब्सिट्यूएंट लग जाएंगे बेंजीन रिंग के ऊपर अलग अलग, माइनस आई इफेक्ट वाले, प्लस आई इफेक्ट वाले, तो प्रोडक्ट की नेचर में क्या फर्क पड़ेगा, एक छोटी सी मैकेनिज्म उसकी भी हम देखते हैं। आइए, तो फाइनली मैं क्या कर रहा हूं, फाइनली मैं आपको बेंजाइन पर सब्सिट्यूएंट का इफेक्ट यानी कि सिक्स पॉइंट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग पर कोई सब्सिट्यूएंट लगा होगा तो क्या होगा, देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये तो लिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया OCH3, मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया OCH3। तो अगर मैं पहले NH2 नेगेटिव से इसकी रिएक्शन करता हूं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, माइनस NH3 माइनस Cl, ये Cl अपने लेके जाएगा, ये अपने छोड़ के जाएगा, तो इस बार जो आपका बेंजाइन बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और CH3O इसमें एज ए ग्रुप लगा हुआ है, तो एक तरह से मेथोक्सी सब्सिट्यूटेड बेंजाइन आपको मिल जाएगी। अब अगले स्टेप में जब NH3 अटैक करेगा इस पे, तो दो पॉसिबिलिटी है, वही बात बिल्कुल वैसे बता रहा हूं, इसको मैं बोला था ए और उसको मैंने बोला था बी। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर जाएंगे तो NH3 ऊपर लगेगा, मैं फाइनली लिख रहा हूं प्रोडक्ट शिफ्टिंग के बाद, तो NH2 यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, चलो पहले इंटरमीडिएट बना देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो या तो ये हो सकता है, या तो ये कंडीशन हो सकती है, और या ये कंडीशन हो सकती है, यू कैन सी, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। ये ए वाली शिफ्टिंग से हुआ है और ये बी वाली शिफ्टिंग से हुआ है। अब आप इस इंटरमीडिएट को देखिए, अब आप इस स्पीशीज को देखिए कि ये जो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है ये नेगेटिव चार्ज के साथ दूसरी पोजीशन पर है, इसके साथ दो नंबर पर है, और यहां पर जो नेगेटिव वाला है ये इसके साथ में तीन नंबर पर है, तो क्या ये वाली स्पीशीज मोर स्टेबल और ये वाली स्पीशीज लेस स्टेबल नहीं हुई क्या? देख लो भाई, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है,
तो ये भी करेगा और यहां भी करेगा, यहां ज्यादा करेगा कि यहां ज्यादा करेगा। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो नेगेटिव चार्ज जहां पास में होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा किसकी कंपैरेटिवली, जब दूर पे दूर होगा। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, यानी कि अगर इससे प्रोडक्ट बनता है कोई, अब मैं प्रोटॉन की शिफ्टिंग कर रहा हूं बेटे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपको पता लग जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट यहां लगा देता हूं NH2 और यहां लगा देता हूं OCS3। तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा पैरा वाला, और माइनर प्रोडक्ट ये होगा कौन से वाला, मेटा वाला। मेटा वाला प्रोडक्ट होगा माइनर, मेटा वाला प्रोडक्ट होगा माइनर, और पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। इस तरह से मैं एक जनरलाइजेशन कर सकता हूं कि अगर एरोमेटिक रिंग की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब यहां पर एक छोटा सा डाउट और आएगा आपको कि सर OCS3 का प्लस सम इफेक्ट भी होता है, तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा ये, और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा तो ये तो कम स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरेटिवली। भाई अगर इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं यहां पर कभी भी प्लस सम या माइनस सम इफेक्ट काउंट नहीं करने, क्योंकि ये प्लेन में नहीं होते। ये प्लेन में नहीं होने के कारण यहां पर केवल कौन सा इफेक्ट देखना है आपको, केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखना है कि ग्रुप जो लगा हुआ है उसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई है या प्लस आई है। क्योंकि मेरा जो कार्ब एनायन बनेगा, मेरा जो कार्ब एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, उसकी स्टेबिलिटी माइनस आई वाले तो बढ़ाएंगे, और प्लस आई वाले इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। भाई sp2 के अंदर है ये, प्लेनर नहीं हो सकता इसके साथ ही, इसलिए m तो लगाना ही नहीं। तो माइनस आई वाले तो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और प्लस आई वाले क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो क्या याद रखोगे कि अगर पैरा पोजिशन पर, इसकी पैरा पोजिशन है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला बनेगा और मेटा वाला क्या बनेगा, माइनर बनेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। और अगर यही ग्रुप ऑर्थो पे लगा होता तो भी सेम ही आंसर आता। अब यहां से इसको आप देख लीजिएगा, अब यहां थोड़ा सा आप फोकस करना। मान लीजिए ग्रुप आपका ऑर्थो पे लगा होता, मान लीजिए ये ग्रुप आपको ऑर्थो पे लगा होता, ऑर्थो पे लगा होता तो क्या होता, तो पहले तो बनता आपका ये, पहले तो बनती आपकी ये, ठीक है, पहले तो आपकी ये इंटरमीडिएट बनता। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाते जब आप, तो मूवमेंट करवाने के बाद में या तो नेगेटिव चार्ज यहां आता, इसका रिजल्ट भी निकाल लो आप, और या नेगेटिव चार्ज ऊपर आता, यही होता बच्चों, या नेगेटिव चार्ज आपका ऊपर आता। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जरा बताना इस कंडीशन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कि पास वाले को, पास वाले को। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर बनता, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर बनता। और क्या बनते आपको पता ही है, ऐसा होता कि यहां पर तो NH2 यहां लगता ऑर्थो पर, अगर इसके थ्रू होती रिएक्शन तो ऑर्थो पे लगता, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट लगता है, और इसके थ्रू रिएक्शन होती तो मेटा पे लगता। तो मुझे बताइए उस केस में, उस केस में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, उस केस में ये वाला प्रोडक्ट तो मेजर होता मेटा वाला, और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या होता, माइनर प्रोडक्ट होता। आंसर वही है, अगर पैरा और मेटा देखेंगे तो पैरा मेजर मेटा माइनर, और अगर ऑर्थो और मेटा देखेंगे तो मेटा मेजर और ऑर्थो माइनर। तो आप एक याद कर सकते हैं एक बात कि जब भी हमारे पास में मेटा पैरा और ऑर्थो बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो हमेशा पैरा वाला आइसोमर सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर मेटा वाला, फिर ऑर्थो वाला। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपने बेंजाइन इंटरमीडिएट में सीखनी है। और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और एक छोटा सा थंब मुझे आप भेज दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होकर इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। आपने इतना कोऑपरेट किया, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।